हेलो एवरी वन एंड वेलकम अगेन टू दिस इकोनॉमी क्लास ईयर वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ये हमारी इकोनॉमी सीरीज चल रही है और इस इकोनॉमी सीरीज में हम रमेश सिंह सर की जो बुक है इकोनॉमिक्स की उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल एवरीथिंग इज़ फाइन ऑलरेडी हमने इसके तीन लेक्चर कर लिए हैं है ना हो सकता है आपको ये टाइटल के अंदर लेक्चर फाइव दिखा रहा हो इसको हम करेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी वी हैव डन थ्री लेक्चर्स हियर एंड दिस इज द लेक्चर नंबर फोर टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड वी टॉक्ड अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है इकोनॉमिक्स किस तरीके से है ना क्या क्या डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं स्पेशली क्वार्टरनरी क्वीनरी प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी के साथ में ये सब सेक्टर्स हमने किए सोशलिज्म uh, जैसा कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म कम्युनिज्म uh, में क्या डिफरेंस है ना हाउ दिस कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म आर वर्किंग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ये सारी चीजें की और कल वाला जो लेक्चर था वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे जीडीपी के ओके जीएनपी नेशनल इनकम ये सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे आई ऑल्सो एडेड सम बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो वो जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला पार्ट था वो कल हमने किया था यहीं पे हम आगे बढ़ेंगे एक और चीज़ मैं आपको अपडेट कर दूं जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का डेटा है इसको कौन कर रहा है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है दिस इज द नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ये एन एस यहाँ पे कर रहा है 2019 में बनाया गया देखिए इससे पहले जो है सी और एन ये दो अलग अलग आपके ऑर्गेनाइजेशन थे ये बनाए गए थे और ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस सर्वे करता था अपने सैंपल कलेक्ट करता था है ना डेटा कलेक्शन और फिर इसका कंपाइलेशन और पब्लिकेशन सी के द्वारा होता था 2019 में भारत सरकार ने क्या किया इन दोनों को क्लब कर दिया और एन बना दिया क्लियर है अभी हम आगे बढ़ेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे जो रिवाइज्ड मेथड है सी के द्वारा दो में जी की जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसी के मेथड को रिवाइज किया गया है ना उसके मेथड को रिवाइज किया गया और इस पर आपका मेन्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया गया है आई थिंक दो के अंदर क्वेश्चन था तो ये चीज है जो आज हमारे इसका पूरा रहेगा जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं फिर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ये सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे आ, हाँ आरती बिल्कुल ये आपके हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है हमारा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रहेगा यूपीएससी का ठीक है तो अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए जा रहे हैं तो वहां भी बहुत हेल्प करेगा और आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीजें ठीक है सी जैसे एग्जाम है या जो भी आपके जितने भी एग्जाम है जहां पे इकोनॉमिक्स पूछी जाती है तो हर जगह पर आपका यूजफुल रहेगा चलिए आगे हम बढ़ते हैं और मेक श्योर sure कि आप इस लिंक पे मुझे फॉलो कर रहे हैं फॉर फ्री स्पेशल क्लासेस और जो बच्चे नए हैं है ना Uh, कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पे जो uh, मतलब हमारे कुछ सेशन हो जाएं या चाहें तो आप अभी एक बार कर लीजिए अगर आपने एक बार पढ़ रखा है एन वगैरह को इकोनॉमिक्स की तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज है वो आप लगा सकते हैं आगे बढ़ेंगे अन अकेडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं और अन अकेडमी ने अभी आपके लिए जो मेंस की टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये अलग से भी ऑफर किया है वैसे अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें आपका पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो ये चीज़ें ऑलरेडी वहाँ इंक्लूड है लेकिन अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज इंक्लूड करनी है तो ये अलग से भी आप जा सकते हैं ऑप्शनल टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो देयर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम पे मिल जाते हैं इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पे ये जो हमारी क्लास है अभी वाली इस सेशन का पी भी मिल जाएगा इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फ्री क्लासेज होती हैं कोर्सेज हैं उसकी सबकी डिटेल है ना सब्सक्रिप्शन लिंक एंड ऑल तो ये एक वन पॉइंट आपका हो गया कम्युनिकेशन लिंक इसको टेलीग्राम पे डाल के सर्च कर लेना आगे हम पढ़ते हैं कल की क्लास से ही कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है हमारा जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है पिछली क्लासेस वो एक बार देख लीजिएगा आप अगेन लिंक्स दे आर देयर ऑन द टेलीग्राम चलिए यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे कल हमने बात की थी दो तरह की कॉस्ट की एक था फैक्ट्री गेट प्राइस या फैक्ट्री प्राइस है ना फैक्ट्री प्राइस मतलब कोई भी चीज अगर प्रोडक्शन हो रहा है मान लीजिए फैक्ट्री है ये मोबाइल फोन यहाँ पे बनता है है ना तो मोबाइल फोन बन के जो तैयार होता है है ना जो कॉस्ट यहाँ पे आ रही है कंपनी को फाइन उसमें टैक्सेस वगैरह हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं वो यहां पे आके तैयार हो गया और अब वो मार्केट में जाने के लिए तैयार है ठीक है सो दिस फैक्टर कॉस्ट या फैक्ट्री प्राइस इज बेसिकली द इनपुट कॉस्ट द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग जिस चीज को बना रहा है उसको बनाने के लिए उसको कितना पैसा लग रहा है दिस इज द फैक्टर कॉस्ट ईयर फाइन अब ये जो फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस ये जो है फैक्ट्री प्राइस जो है इसके अंदर आप क्या करोगे टैक्सेस जोड़ दोगे इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दोगे इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी हो गया ना, exercise, duty, है ना एक्साइज ड्यूटी वैट वगैरह जीएसटी ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो जब आपने इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दिए फैक्टर कॉस्ट में तो आपको क्या मिल जाएगी मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस ठीक है अब ये मार्केट कॉस्ट है मार्केट प्राइस आपको मिल गया है तो इन दोनों को ध्यान रखना क्यों हमने ये डिस्कस किया क्योंकि अब जो डिस्कशन होगा उसके अंदर बहुत बार ये वर्ड यूज होगा मार्केट प्राइस है ना फैक्टर कॉस्ट तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ये जो आपकी इकोनॉमिक सीरीज हो रही है इसको कंप्लीट करने के बाद में आपके सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी ठीक है ना और आपको करंट से कुछ एडिशन करने होंगे जैसे लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आता है वो चीज़ें तो पढ़नी ही हैं बाकी आपका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन विल बी कवर्ड हीयर और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कल मैंने आपको रियल जीडीपी और ये बता दिया था नॉमिनल जी डी इस पर नहीं आ रहा अब किया क्या है इन्होंने 2015 में चेंज किया गया है ना सीएसओ के द्वारा और सी एसओ ने क्या किया अब जो पहले कैलकुलेशन होता था जी डी पी का फैक्टर कोस्ट के ऊपर है ना नेशनल इनकम के कैलकुलेशन ये फैक्टर कोस्ट पे कर रहे थे अब फैक्टर कोस्ट से ये शिफ्ट होके किस पे आ गए मार्केट प्राइस पे आ गए ठीक है तो फैक्टर कॉस्ट आपको पता है जितना पैसा उसको पड़ रहा है जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं है वो फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस का मतलब है यहाँ पे आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड कर लिया है ये जो मार्केट प्राइस मार्केट कॉस्ट है ठीक है इसमें आपने इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड कर लिया ये मेजर फैक्टर है तो पहले हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन कर रहे थे अब हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं क्लियर है रिवाइज जो मेथड है जो 2015 में रिवाइज यहां पे किया गया और इसका क्वेश्चन भी मैं दूंगा लिखने के लिए इसके अंदर इन्होंने क्या चेंज किया है देखिए तीन से मेजर अगर हम देखें तो पांच से छह मेजर चेंजेस हैं और उसमें भी अगर सबसे बड़ी चर्चा करेंगे तो इस मेथोडोलॉजी में कैलकुलेशन हम देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल अकाउंट ये जिस तरीके से आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसको चेंज किया है अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना अगर ये चीज आपने समझ ली ये क्लास समझ आ जाती है तो आपको इकोनॉमिक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है चलिए वापस इस पर आते हैं एक तो इन्होंने बेस ईयर को चेंज किया है, है ना बेस ईयर तो आपको पता ही है बेस ईयर को चेंज कर दिया दो हजार था दो हजार से दो हजार कर दिया मतलब बेस ईयर को चेंज करके क्या करेंगे जो जीडीपी का हम कैलकुलेशन करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे है ना जो रियल जीडीपी की हमने चर्चा की थी उसके कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर को इन्होंने चेंज कर दिया तो जीडीपी क्या होता है जो भी टोटल आउटपुट है आपका फाइनल जो भी आप, आपका आउटपुट है गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन है फाइनल जो प्रोडक्शन है उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो क्या होती है जी होती है अब वो मार्केट वैल्यू अगर आज के तारीख की मार्केट वैल्यू पे आप कैलकुलेट कर रहे हो प्रोडक्शन को तो वो तो होता है नॉमिनल लेकिन अगर आपने कॉन्स्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट किया है वो कॉन्स्टेंट प्राइस कैसे लोगे एक बेस ईयर एक साल आप डिसाइड कर लोगे जो नॉर्मल ईयर होना चाहिए ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए ज़्यादा बूम हो गया या ज़्यादा नीचे चला गया वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए है ना नॉर्मल ईयर होना चाहिए तो एक साल आप डिसाइड करोगे और उस पर जो प्राइसेस हैं उस साल में जो कीमतें हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज की उस पर अगर आप जी का कैलकुलेशन करते हो तो होती है रियल जी ठीक है तो रियल जी के लिए जो बेस ईयर था एक तो ये चेंज इन्होंने किया दो हजार पे आई और बेस ईयर हमेशा ध्यान रखना एक नॉर्मल ईयर होता है जैसे अगर आपको प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट दे दे कि गवर्नमेंट यहाँ बेस ईयर चेंज करना चाह रही है तो क्या गवर्नमेंट जो है दो हजार को दो हजार फाइनेंशियल ईयर को बेस ईयर के रूप में लिया जाना चाहिए यस और नो तो आप कहोगे नहीं लिया जाना चाहिए क्यों क्योंकि ये एक तरह का एक्सेप्शन आप मान के चलिए यहाँ पे हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव थी माइनस में थी कोरोना काल था तो ये एक नॉर्मल ईयर नहीं है तो गवर्नमेंट या कोई भी जो अथॉरिटीज हैं डेफिनेटली दे बी टेकिंग वॉन्ट बी कंसिडर इंग दिसनेशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी और फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चेंज हुआ मैथोलॉजी में चेंज हुआ है क्या चेंज हुआ मैथडोलॉजी में इस पर हम आते हैं पहले क्या होता था फैक्टर कोस्ट पे आप कैलकुलेट कर रहे थे यह भी हमने डिस्कस किया फैक्टर कोस्ट ठीक है अब आप क्या करोगे अब आप जी डी पी को कैलकुलेट करोगे मार्केट प्राइस पे ठीक है मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहे हो इसका क्या मतलब हो गया और ये जो हमने प्रैक्टिस चेंज की है क्यों चेंज कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरह से प्रैक्टिसेस चलती हैं तो इंडिया जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं या यूएन के द्वारा जो सिस्टम यहाँ पे रेफरेंस दिए गए हैं उनको यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं ठीक है तो हम जो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है उसी को हमने अडॉप्ट किया है आगे हम आएंगे कि इसका कैसे क्रिटिसिजम किया गया क्या चीज़ें की गई तो इन्होंने क्या किया पहले जी जो है हम क्या कर रहे थे फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट हो रही थी और अब क्या होगा ये फैक्टर कॉस्ट के अंदर क्या होगा इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं थे अब आपने क्या किया ये मार्केट प्राइस पे आपने कैलकुलेट कर लिया कुछ बच्चों को हो सकता है कि डिफिकल्ट लग रहा हो है ना अगर ये जो क्लास है ना ये मैं कहूँगा कि आपके पूरे इकोनॉमिक्स में सबसे डिफिकल्ट क्लास इसको मान लो ठीक है ना इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल खिलौने की तरह ठीक है, है ना बहुत आसान आपको लगेगी क्योंकि ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है ना कुछ चीज़ें हैं बाकी हर जगह आपको इंटरेस्ट आएगा ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है बाकी हर जगह इंटरेस्ट आएगा अच्छा ऐसा हो रहा है बैंक में ऐसा हो रहा है आर बी ऐसा है, तो वो पिक्चराइजेशन बनता है ना दिमाग में पिक्चर बनती है इमेज बनती है हमारे आसपास ऐसा हो रहा है अच्छा चीज़ें महंगी हो रही है सस्ती हो रही हैं गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है बजट आ रहा है वो बहुत मज़ा आपको आएगा इंटरेस्टिंग लगेंगी ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है बोरिंग सा है तो इसको आप कर लीजिए अगर ये कर लिया तो फिर आपकी पूरी गाड़ी आराम से चलने लग जाएगी हम कह रहे हैं कि पहले जीडीपी में फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन हो रहा था फैक्टर कॉस्ट का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी वगैरह है है ना एक्साइज ड्यूटी ये सब चीजें आप एक्सक्लूड कर रहे हो उनको इंक्लूड नहीं किया गया है टैक्सेस को तो पहले फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन था अब आप शिफ्ट हो गए मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस पे शिफ्ट होने का मतलब है टैक्स को भी आपने इंक्लूड कर लिया है जीडीपी इज एस्टिमेटेड एट मार्केट प्राइस विच इंक्लूड इन डायरेक्ट टैक्सेस अब आपने इनडायरेक्ट टैक्स पे भी इसको इंक्लूड कर लिया है इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेज इंक्लूड हो जाएंगे और सब्सिडी तो डेफिनेटली हटी जाएगी आ, अब यहां पे क्या हो रहा है जीडीपी का जो कैलकुलेशन uh, का जो मेथड है वो थोड़ा सा अलग हो गया है ना पहले भी हम जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे थे और अभी भी हम जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं लेकिन मेथड थोड़ा सा अलग है फाइन ये उसी तरह से है कि आप कोई प्लेयर खेल रहा है उसको चौका मारना है छक्का मारना है ठीक है तो पहले वो uh, उसकी टेक्निक एक थी अब उसने टेक्निक चेंज कर ली तो वो गे गेन डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर ही जाती है ना वो पर्पस वही है कि चौका छक्का लगना चाहिए बस थोड़ा सा आपने टेक्निक को चेंज कर लिया तो यहाँ पे इन्होंने जो मेथड था कैलकुलेशन का उसको थोड़ा चेंज किया है क्या चेंज किया है इसको समझते हैं आ, इसको हम समझते हैं देखिए इस, इस मेथडोलॉजी को समझने के लिए एक बार हम आ, ये ग्रोथ वैल्यू एडिशन क्या होता है कुछ टर्म्स हम समझेंगे इस मैथडोलॉजी पे आने से पहले कुछ टर्म्स जो हैं वो हम समझेंगे फिर हम इस मैथडोलॉजी पे आएंगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएगी क्लियर ये उसी तरह से है जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं है ना आ, या कोई आप वेब सीरीज देख रहे हैं वेब सीरीज़ देख रहे हैं और आपने डायरेक्ट थर्ड फ्लोर उसके सेकेंड सीज़न में घुस गए फर्स्ट सीजन में कौन से किरदार थे क्या उसका रोल था नहीं पता तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा या समझ नहीं आएगा तो पहले हम यहाँ पे जो uh, किरदार हैं है ना इसके जो मेन रोल वाले हैं उनको थोड़ा समझते हैं एक टर्म होती है ग्रोथ वैल्यू एडिशन तीन चार टर्म ही है और इसमें कोई बहुत सिंपल सिंपल सी टर्म है बहुत ही ग्रोथ वैल्यू एडिशन ग्रोथ वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है ये एक टर्म होती है जो हमें बताती है नेट कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जैसे हम कहेंगे कि ग्रोथ वैल्यू एडिशन क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ वैल्यू एडिशन क्या है इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्टर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है तो यहां पे अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जो इंटरमीडिएट गुड है उसको हटा देंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्रेड बन रही है ब्रेड बन रही है कि कोई कंपनी ब्रेड बना रही है यहाँ पे एक हजार रुपए की ब्रेड बनाई जाती है ठीक है ना प्रतिदिन एक हजार रुपए की ब्रेड बना रहा है तो इसका नेट कंट्रीब्यूशन कितना हो गया ये ब्रेड वगैरह फूड प्रोसेसिंग में आएगा तो इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाल दो तो इसका नेट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो गया क्या हजार नेट कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड के रूप में क्या यूज किया गया ब्रेड में व्हीट फ्लोर आटा है मैदा है ये यूज किया ना इन्होंने तो वो कहाँ से आ रही है आटा मैदा ये सब चीजें ठीक है वो किसी और का कॉन्ट्रीब्यूशन है तो जो इंटरमीडिएट का जो इसमें कंजम्पन है है ना उसको आप हटा दोगे जैसे मान लीजिए चार सौ रुपए का ये यूज कर रहे थे ठीक है उसको हटा दिया तो फिर उसको माइनस कर दोगे तो ग्रोथ वैल्यू एडिशन क्या होता है जो आउटपुट है वैल्यू की माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्प्शन किसी दूसरे सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ठीक है जैसे चार सौ रुपए किसी दूसरे सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आपने ले लिया हजार रुपए आप दे रहे हो तो तो इस तरीके से ग्रोथ वैल्यू एडिशन को सीधे शब्दों में क्या जा, कहा जाएगा कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है तो कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए अगर आपने किसी से कुछ लिया है उसको माइनस करेंगे ठीक है और आपका खुद का निकालेंगे क्लियर हो गया तो ग्रोथ वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि आपका पर्टिकुलर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है अब यहां पे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमने ले लिया इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन लिया सर्विस सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन लिया इस तरीके से हम लेते हैं तो ये हुई

जीडीपी तक अगर पहुंचेंगे तो उसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी इंक्लूड कर लिया तो पहले किस तरीके से हो रहा था आपका पहले जो कैलकुलेशन था इसमें ये फिगर डेटा वगैरह को ध्यान मत देना बस ये 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 ध्यान रखना इतना सा इस पर ध्यान दीजिए ये मैंने एक स्नैपशूट लिया है आपके ये कट गया है क्या नहीं विजिबल है आई होप दिस इज विजिबल यस इट शुड बी एक न्यूज पेपर से हमने ये लिया है ताकि आपको एग्जाम्पल मिल जाए आपको चीजें समझ आ जाए तो एग्जाम्पल से समझ आएगी तो पहले यह पुराना वाला है ओल्ड मेथड इसमें जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे हो रही है जीडीपी की जो मार्केट प्राइस पे हम कैलकुलेट यहां पे आ, कर रहे थे तो इसमें हमने क्या किया था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है ना फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी का कैलकुलेशन हमने किया है तो पुराने वाले में फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा था फिर हमने ऊपर से इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ा सब्सिडीज को घटाया तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिली अब हमने क्या किया हमने जो है ये जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बजाय हम किस पे आ गए ग्रोथ वैल्यू एडिशन जिसकी अभी हमने चर्चा की है ग्रोथ वैल्यू एडिशन पे आ गए ग्रोथ वैल्यू एडेड एट ग्रोथ वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइसेस ये ग्रोथ वैल्यू एडिशन पे हम आ गए हैं तो हमने ग्रोथ वैल्यू एडिशन यहां पे किया तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या है डेफिनेशन क्या है टोटल आउटपुट का मार्केट वैल्यू ठीक है ना तो यहां पे टोटल आउटपुट कैसे पता चलेगा हमने पूरी इकोनॉमी को तीन सेक्टर में डिवाइड किया था एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर दूसरा सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है टर्सरी सेक्टर में सर्विसेज आ रही हैं ये तीनों सेक्टर मिलकर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वहां पे आ गई ठीक है।, है अब अगर हम तीनों सेक्टर का जो ग्रोथ वैल्यू एडिशन है ठीक है तीनों सेक्टर का ग्रोथ वैल्यू एडिशन अगर उसको यहां पे जोड़ देते हैं समेशन ये कर देते हैं जो भी टोटल ग्रोथ वैल्यू एडिशन है जितने भी सेक्टर का तो हमें टोटल आउटपुट मिल गया ठीक है मिल रहा है टोटल आउटपुट क्योंकि तीनों सेक्टर जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या तो आप एक साथ जोड़ लो या फिर अलग अलग तीनों सेक्टर को मिला जोड़ लो एक ही बात है तो यहाँ पे जो ग्रोथ वैल्यू एडिशन है ये वाला मेथड हमने यूज किया है और फिर ग्रोथ वैल्यू एडिशन को हमने बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करके फिर इसमें प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ा है और सब्सिडी को घटाया है ठीक है ना मतलब ये नया वाला मेथड है जिसमें हमने क्या किया जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट से हम शिफ्ट कर गए ग्रोथ वैल्यू एडिशन वाले मेथड में ठीक है ये एक चेंज आपको समझ आया जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट से हम ग्रोथ वैल्यू एडिशन पे मूव कर गए अब आपको ग्रोथ वैल्यू एडिशन पता है है ना लेकिन अब यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई आ रही है प्रोडक्ट टैक्स है बेसिक प्राइस है इसका क्या मतलब होता है इसको हम समझते हैं और फिर हमारा पूरा काम हो जाएगा आसान मैं वापस रिवाइज कर दूंगा इस पूरी चीज को कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है लेकिन इसको अच्छे से समझ लेना और आप देखोगे आई ए के दो के, के पेपर में इस पर पूरा डिटेल में क्वेश्चन है और ये एक न्यूमेरिकल टाइप है अगर आपने अच्छे से लिख दिया तो बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएंगे आप हम आ गए हैं नई मेथोडोलॉजी में ग्रोथ वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस पे अब इसको समझने से पहले हम टैक्सेस को समझते हैं है ना दो तरह के टैक्सेस होते हैं एक होता है प्रोडक्शन टैक्स और एक होता है प्रोडक्ट टैक्स ये लिखा हुआ है प्रोडक्शन टैक्स है ना और इसी तरह से प्रोडक्शन सब्सिडीज होंगी और दूसरे में होगा प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडीज आप कहोगे सर दिखने में एक जैसा लग रहा है क्या फर्क है यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स लिखा हुआ है प्रोडक्शन टैक्स का मतलब है अगर आपका मतलब कोई भी ऐसे असेट है ना कोई भी ऐसे असेट जो आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज हो रहे हैं उन असेट्स पे टैक्स लगेगा प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है जैसे कोई प्रोडक्ट है उसको आप बेच रहे हो सेल कर रहे हो ठीक है ना तो उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं कहीं पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है है ना कहीं पे वैट लग रहा है या फिर जीएसटी है तो ये चीजें अलग हैं ये प्रोडक्ट के ऊपर लगने वाले टैक्स हैं प्रोडक्शन टैक्स में क्या होगा अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है है ना सेल नहीं हो रही है प्रोडक्शन नहीं हो रही कोई मतलब नहीं है ये टैक्स तो लगेगा प्रोडक्शन वाला टैक्स लगेगा कैसे लगेगा आपकी जो प्रॉपर्टी है लैंड है लैंड एक तरह का सेट है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होता है तो आप कुछ प्रोडक्शन करो नहीं करो कुछ भी करो उस पर तो टैक्स लगना ही है प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह इसी तरह से स्टाम्प ड्यूटी है ठीक है प्रॉपर्टी पे लगने वाला टैक्स है आ, 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 आपके जो भी है लैंड रेवेन्यू हो गया स्टाम्प स्टाम्पे ड्यूटी लगती है रजिस्ट्रेशन फीस हो गई प्रोफेशन पे लगने वाला टैक्स ये ऐसे टैक्स हैं जो कि आपके प्रोडक्शन टैक्सेस के एग्जांपल हैं और ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन इसका क्या मतलब है अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो प्रोड्यूस कर रहे हो नहीं कर रहे हो कितना कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये जो टैक्स है आपके असेट्स पे लगेंगे ठीक है ना ऑनरशिप ऑफ असेट्स विच आर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया जैसे लैंड रेवेन्यू प्रॉपर्टी पे लगने वाले टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस ये सारे प्रोफेशन पे लगने वाले टैक्स ये प्रोडक्शन टैक्स हैं प्रोडक्ट टैक्स कौन से होंगे प्रोडक्ट टैक्स में आपकी एक्साइज ड्यूटी वैट ये सब आ जाएगा ठीक है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज ये सब आ जाएंगे प्रोडक्ट टैक्स में क्यों क्योंकि प्रोडक्ट टैक्स लग रहे हैं जब प्रोडक्ट का कंजम्पशन हो रहा है या सेल हो रही है या उसका प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है जैसे एक्साइज ड्यूटी है तो प्रोडक्शन पे लग रहा है ठीक है सेल इज देयर तो वहां पे वैट और ये सब इस तरीके के टैक्सेस हैं जीएसटी इज देयर तो ये 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 क्या है प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्स हैं तो ये आपको समझ आया मैं एक बार कमेंट सेक्शन देख रहा हूं स्पैम मत करना बता देना अगर समझ आया तो अप कर देना नहीं आया तो डाउट पूछ लेना ठीक है प्लीज लेट मी नो समझ आ रहा है समझ आ रहा है तो ये ऐसा अप कर दो कि हां सर समझ आ रहा है वापस से मैं बताता हूं प्रोडक्शन टैक्स प्रोडक्शन टैक्स के अंदर मतलब नहीं है आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपका कितना प्रोडक्शन कर रहे हो वो उससे मतलब नहीं है वो आपका किस पे लग रहा है असैट पे लग रहा है जो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कौन सा लग रहा है प्रॉपर्टी पे लगने वाला टैक्स हो गया ठीक है प्रॉपर्टी पे जो आपका टैक्स लग रहा है इसी तरह से आप देखोगे स्टाम्प uh, ड्यूटी uh, है रजिस्ट्रेशन फीस है ये किसके प्रोडक्शन टैक्स के एग्जाम्पल है दूसरी तरफ प्रोडक्ट टैक्स है वो प्रोडक्ट पे लगेगा और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की uh, जो भी पर यूनिट है उस उसपे वो लग रहा है उसका कंजशन हो रहा है उसकी सेल हो रही है ठीक है ना उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो उस पर एग्जाम्पल हमने देख लिया ठीक है तो ये प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स के अंदर अंतर आपको समझ आ गया क्लियर चलिए इसी तरह से सब्सिडीज हैं है ना प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी है तो प्रोडक्ट सब्सिडी क्या होगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जैसे फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दी जा रही है ठीक है ना फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दिया या फिर पेट्रोलियम पे सब्सिडी है फूड पे सब्सिडी है तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे दी जाने वाली आपकी सब्सिडीज होंगी क्लियर जबकि प्रोडक्शन सब्सिडीज हैं वो दी जा रही है जैसे रेलवे को दे दी या कोई फैक्ट्री है है ना कोई एमएसएमई सेक्टर है तो गवर्नमेंट चाहती है एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करें क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में जो छोटे लेवल पे जो उद्योग रहते हैं उसमें लगभग ग्यारह से बारह करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है एम सेक्टर में एम सेक्टर इंडिया की थर्टी परसेंट जी में कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है फोर्टी एट परसेंट एक्सपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट कहेगी चलो तो इस सेक्टर को हम पुश करते हैं इसको पूरे सेक्टर को ओवरऑल यहाँ पे हम कुछ सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये प्रोडक्शन सब्सिडीज के एग्जाम्पल होंगे जैसे रेलवेज को जो सब्सिडी दे रखी है पूरी उसको दे रखी है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फिक्स नहीं किया है तो ये हुए प्रोडक्शन टैक्स uh, और प्रोडक्ट प्रोडक्ट टैक्स प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स इसका अंतर हमने देख लिया अब हम वापस आते हैं इसी मेथोडोलॉजी पे क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी को यहां पे ओके okay, कैलकुलेशन हमारा है हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी का हमने मेथड चेंज कर दिया पहले हमने जीडीपी एट फैक्टर कोस्ट के माध्यम से जा रहे थे अब हमने वो रास्ता छोड़ दिया है गवर्नमेंट अब वो डेटा भी कलेक्ट नहीं करेगी इवन ठीक है गवर्नमेंट ने कहा कि हम ग्रोथ वैल्यू एडिशन के रास्ते से जाएंगे वो वाला रास्ता छोड़ दिया है वो आपका गाना है ना वो वी हैव तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम तो वो गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अब फैक्टर कोस्ट की गली में हमें कदम नहीं रखना है ठीक है ये फैक्टर कोस्ट वाला तो ये तो हम जा ही नहीं रहे क्लियर हालांकि ये जो मार्केट प्राइस वाले डेटा पहले भी कैलकुलेट करते थे अब ये आ गए दूसरी गली में है ना इन्होंने गली चेंज कर ली और अब कौन सी गली में आ गए ये ग्रोथ वैल्यू एडिशन की गली में आ गए अब ग्रोथ वैल्यू एडिशन के अंदर ये क्या कर रहे हैं इसको बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट किया और इसमें क्या जोड़ा है प्रोडक्ट टैक्स प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ा है सब्सिडी को घटाया है क्लियर है तो ये जो प्रोडक्ट एक्साइज से आपको अंदाजा लग गया होगा जो भी ये एक्साइज ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस पर जो लग रहा है वैट वगैरह ये जो टैक्सेस हैं ये यहाँ पे आपने अब तो जीएसटी हो गया बड़ा आसान हो गया आपका काम ठीक है तो ये जीएसटी वाले ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोल डीजल है इलेक्ट्रिसिटी इस पर जीएसटी के दायरे से बाहर हैं ये चीजें है ना एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं जीएसटी के दायरे से बाहर हैं तो वहाँ पर एक्साइज और वैट काम करेगा तो कुल मिला के ये जो प्रोडक्ट के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं आप इनको जोड़ लोगे किसके अंदर ग्रोस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस अब ग्रोस वैल्यू एडिशन निकालने के लिए बेसिक प्राइस पे निकालने के लिए आपने क्या किया ठीक है ग्रोस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस जो आप यहां पे निकाल रहे हो सो इन दैट ग्रोथ वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस निकालने के लिए आपने उसमें प्रोडक्शन टैक्स जोड़ा है तब आपको ग्रोथ वैल्यू एडिशन मिला है एट बेसिक प्राइस है ना ग्रोथ वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस में आपने क्या किया है ऑलरेडी आपने उसको जोड़ लिया है किसको ये देखिए ग्रोथ वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस ये जो यहां पे लिखा हुआ है इसके अंदर आपने क्या जोड़ लिया है प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ लिया है सब्सिडी को घटा दिया है तो आपके पास में जब ग्रोथ वैल्यू एडिशन बेसिक प्राइस पर निकल के आया है ये जो बेसिक प्राइस पर निकल के आया है इसका मतलब है इसमें प्रोडक्शन टैक्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं अब हमें केवल प्रोडक्ट टैक्स ही जोड़ने हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं ठीक है ना लाइक जी एस टी एक्साइज एंड ऑल तो केवल प्रोडक्ट टैक्स हमें जोड़ने हैं और सब्सिडीज को घटाना है और हमें जी डी पी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा जी डी पी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा समझ आ रहा है क्या मिल जाएगा जी डी पी एट मार्केट प्राइस कुछ बच्चे हैं नए हैं उनकी अगर पहली क्लास है तो ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम रमेश सिंह सर की बुक कवर कर रहे हैं पूरी ऑलरेडी तीन क्लास हो गई हैं वो पुरानी फर्स्ट क्लास से अगर आप देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी अगर आपका इकोनॉमिक्स में बिल्कुल बेस नहीं है है ना बिल्कुल इकोनॉमिक्स का ईवी नहीं आता है मेक श्योर sure कि आप इस क्लास को अटेंड करें ये फाउंडेशन कोर्स की तरह आपका होगा तो हमें क्या मिल गया जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल गए इस इस ये फिगर वगैरह डेटा वगैरह आपको नहीं देखना है ये केवल ओल्ड और नए वाले मेथड के कंपैरिजन मैंने बताया पहले आप क्या कर रहे थे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट किया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है ठीक है उसको आपने फैक्टर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टर कॉस्ट का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं किए गए हैं जैसे जीएसटी वगैरह ये आपने हटा दिया है ठीक है और फिर आपने बाद में इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड यहाँ पे जोड़ा सब्सिडी को जो घटाया तो आपको आपको जीडीपी मिल गया लेकिन अब ये तरीका हम नहीं अपना रहे हम आ गए हैं ग्रोथ वैल्यू एडिशन वाले तरीके पे तो ग्रोथ वैल्यू एडिशन को जब हम बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं इसका मतलब है ग्रोथ वैल्यू एडिशन के अंदर हमने क्या किया जितने भी तीनों सेक्टर है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल और सर्विस सबका हमने क्या कर लिया समेशन कर दिया सारे सेक्टर का ग्रोथ वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस बेसिक प्राइस होने का मतलब है प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड है फिर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स भी इंक्लूड कर दिया और हमें जी डी पी एट मार्केट प्राइस मिल गया तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो कैसा हो कैसा दिखेगा हमें हमें देखिए जी डी पी एट मार्केट प्राइस यही तो निकालना था और ये जो नया वाला मेथड है उसमें इन्होंने क्या किया है ग्रोथ वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइसेस ये समेशन लगाया मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं है ना जो भी आपके हैं इकोनॉमी के सेक्टर्स सबका जो नेट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमने एड कर दिया बेसिक प्राइस का मतलब है इसके अंदर प्रोडक्शन के जो टैक्सेस हैं वो इंक्लूड हो गए हैं इसलिए अब हमें केवल प्रोडक्ट टैक्स ही इंक्लूड करना है तो आप प्रोडक्ट टैक्स इंक्लूड करोगे सब्सिडी घटाओगे तो आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा इसका मतलब क्या है जीडीपी ऑफ ऑफ एनी नेशन रिप्रेजेंट्स द सम टोटल ग्रोथ वैल्यू एडिशन इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द टैक्सेज एंड सब्सिडीज अगर आपको ये प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स इसके अंदर कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी के लिए इसको केवल सिंपल सा कैसे समझोगे बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझने के लिए Uh, ये जो फॉर्मूला है इसके लिए भी आप जा सकते हैं यू हैव दिस जी डी पी बराबर ग्रोथ वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज ये वाला जो ये और ये एक ही फॉर्मूला है इसमें कोई अंतर नहीं है ठीक है ना ये समेशन लग गया मतलब जितने भी सेक्टर्स से हैं उनका नेट कॉन्ट्रीब्यूशन क्लियर है चलिए और यही चीज आपको पूछी थी जो मेंस में क्वेश्चन आया था 2020 के अंदर आई थिंक पहला ही पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था जीएस पेपर थ्री के अंदर और आई विल ट्राई टू पुट दैट क्वेश्चन इन टुमारो क्लास आज तो हम नहीं ले पाए उसको तो ये जो उसमें पूछा गया था उसमें यही पूछा गया था कि ये जो मेथोडोलॉजी है ये इसमें क्या चेंज इन्होंने किया है क्या चेंज किया है तो वो बेस ईयर वगैरह तो ठीक है वो तो चेंज हुआ था मेन चीज आपको एक ग्रोस वैल्यू एडिशन मेथड बताना था कि पहले हम फैक्टर कॉस्ट पे जा रहे थे अब ग्रोस वैल्यू एडिशन से हमने किया है ग्रोथ वैल्यू एडिशन में हमने इस, इस तरीके से ये मेथड को चेंज किया है अब ये मेथड जब चेंज हुआ तो हमने चेंज करने का पर्पस क्या था जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो नॉर्म्स हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो स्टैंडर्ड है उनको हमने फॉलो किया लेकिन यहां पे क्या हुआ हमारे जी का डेटा जो है बढ़ के आया है ना काफी बढ़ के हमें आया जैसे अगर आप देखोगे पहले ग्रोथ रेट कम दिख रही थी तो अभी ग्रोथ रेट आपको ज्यादा यहां पर दिख रहा है क्लियर जैसे फोर ये दिख रहा है और नए वाले मेथड पे 6.6 परसेंट दिखेगा इस तरीके से आपको ज्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिला तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया लेकिन इंडिया ने कहा कि यहां पे हम जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स है उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं सो दिस इज द थिंक सेक्टर वाइज एस्टिमेट अगर आप देखोगे सेक्टर वाइज ऑफ ऑफ ग्रोथ वैल्यू एडेड विल नाउ बी गिवन एट द द बेसिक प्राइसेस फैक्टर कॉस्ट तो पहले क्या हो रहा था हम जो ग्रोथ वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट कर रहे थे वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन हो रहा था फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन का क्या मतलब है आपने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं सभी को हटा दिया है फाइन लेकिन यहाँ पे हम बेसिक प्राइस पे अब कैलकुलेट करेंगे है ना बेसिक प्राइस पे कैलकुलेशन का क्या मतलब है बेसिक प्राइस पे कैलकुलेशन का मतलब है हम प्रोडक्शन टैक्स को तो इंक्लूड कर लेंगे प्रोडक्शन टैक्स को इंक्लूड कर लेंगे जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है रजिस्ट्रेशन फीस है लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग स्टाम्प ड्यूटी इस तरह के जो टैक्सेस है इनको इंक्लूड यहां पे हम करेंगे वो वाला ग्रोस वैल्यू एडिशन अब हम यूज करेंगे ये फैक्टर कॉस्ट वाला यूज नहीं कर रहे हैं सो फार्मूला तो हम देख ही चुके हैं जीडीपी जो हो जाएगा ग्रोस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स प्रोडक्शन सब्सिडीज़ को माइनस कर दीजिए ठीक है uh, और मेजर चेंजेस इसमें जो रहे बेसिकली तीन चेंज रहे गवर्नमेंट ने क्या किया अपना जो डेटा था uh, यहाँ पे uh, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आप देखेंगे एम सी इसके अंदर गवर्नमेंट का जो डेटा था उसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा अपना कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर लिया मतलब ज्यादा जो एंटरप्राइज है उनको कवर करना स्टार्ट किया तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर बोथ इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहा क्योंकि गवर्नमेंट ने जो अपना डेटा बेस है उसको यूज़ किया था कि ज़्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अकाउंटिंग uh, उसके अंदर लाया जा सके सो दिस वाज द चेंज इसी तरह से आप देखोगे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी कवरेज को बढ़ाया गया अब फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर मतलब जो पैसों का लेन देन जहाँ पे है ठीक है आ, उसके अंदर जो है चाहे वो सिक्योरिटीज़ में डील कर रहा हो चाहे पेंशन फंड हो म्यूचुअल फंड हो किसी भी तरह के इससे रिलेटेड जो भी आपके फंक्शन कर रही हैं है ना जो भी आ, आपकी एंटरप्राइज या फर्म्स बिजनेस फंक्शन कर रहे हैं उनका कवरेज भी यहाँ पे इन्होंने बढ़ा दिया और इसी तरह से आप देखोगे कि इम्प्रूव कवरेज ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ लोकल बॉडीज़ लोकल बॉडीज का कवरेज भी यहाँ पे इन्होंने बढ़ाया है तो ये मेजर चेंजेस uh, आपको देखने को मिले इसके अलावा एक और इन्होंने किया था कुछ लेबर के रिगार्डिंग है ना लेबर uh, इनकम uh, का कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा चेंज था बट इतना आप कर लीजिए यहाँ पे मेजर जो हमारा पर्पस था वो यही था कि आपको ये समझ आए ये जो डिफरेंस है पहले वाले में पहले वाला uh, जो था इसके अंदर ये हो रहा था कैलकुलेशन ठीक है ना और दूसरा वाला जो है uh, नया वाला इसमें ये वाला कैलकुलेशन तो ये डिफरेंस आपको समझाना डेटा आपको ध्यान नहीं रखना है ये डिफरेंस आपको समझना है कि अब तरीका जो है ग्रोथ वैल्यू एडिशन से कैलकुलेशन करने का है पहले हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट के थ्रू कैलकुलेशन कर रहे थे जीडीपी पे पहुंचने का इनका रिलेशन भी बता देता हूं मैं जीडीपी और ग्रोथ वैल्यू एडिशन में रिलेशन क्या है तो ग्रोथ वैल्यू एडिशन जो है वो क्या है नेट सेक्टर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है कितने सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अब वो जो जीडीपी की डेफिनेशन हमने याद की पढ़ी थी उसको याद कीजिए जीडीपी की डेफिनेशन सिंपल टर्म्स में क्या थी बिल्कुल फटाफट बताइए जीडीपी की डेफिनेशन थी जो भी आपका टोटल आउटपुट है फाइनल जो आउटपुट है टोटल जो आपका आउटपुट है जीडीपी किसे कहते हैं जो भी आपका फाइनल आउटपुट है जो भी गुड सर्विस का फाइनल प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी मार्केट वैल्यू क्या था मार्केट वैल्यू तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था मैगी वाला ठीक है उसी एग्जाम्पल से अगर इसको समझने का प्रयास करें तो टोटल जो आउटपुट है मान लीजिए कोई इकोनॉमी है दस मैगी के पैकेट यहाँ पे बनाती है कितने बना रही है दस पैकेट बना रही है मैगी के एक पैकेट की प्राइस मार्केट वैल्यू एक पैकेट की दस रुपये है तो यहाँ पे उसका अगर आप देखोगे व्हाट वी कॉल दिस जीडीपी थिंक विल बी हंड्रेड लेकिन ये दस रुपये जो है ये मार्केट वैल्यू है है ना इसमें टैक्स भी इंक्लूड है टैक्स भी इंक्लूड है तो अगर हम इस टैक्स को हटा देते हैं क्लियर टैक्स को हटा देते हैं तो हमारे पास में आ, जो ये निकल के आ रहा है ठीक है ना उस टैक्स को हटा देते हैं और फिर हम बाद में ऐड करते हैं तो टैक्स को हटा दोगे तो वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेशन रहेगी ठीक है ना टैक्स को हटा दिया फिर आपने कैलकुलेट किया फिर बाद में टैक्स को जोड़ा है इस तरीके से तो ये आपका मेजर डिफरेंस है और अभी जो हम कर रहे हैं वो ग्रोथ वैल्यू एडिशन के थ्रू कर रहे हैं तो ग्रोथ वैल्यू एडिशन में यही होगा जितने भी सेक्टर का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उन सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन हमने ले लिया बेसिक प्राइस पे और फिर उसके अंदर प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ दिया है सो दिस वॉज रिगार्डिंग दिस रिवाइज मैथड न्यू मेथडोलॉजी इसको थोड़ा ध्यान रख लेना और यही सबसे ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट आपको लगेगा मतलब यही यहीं पे आपको एक जगह ऐसी है जहाँ पे लगेगा कि यार पता नहीं क्या है है ना अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर बहुत ही आसान है पूरी इकोनॉमिक्स बिल्कुल फ्लैट है ये थोड़ी बम्पी राइड है है ना बम्पी राइड है अगर यहाँ से घबरा के भग गए तो फिर आगे बात नहीं बन पाएगी चलिए और यहाँ पे थोड़ा सा दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी देख लेते हैं ग्रोथ वैल्यू एडिशन और जीडीपी के बीच में रिलेशनशिप क्या है देखिए कल हमने डिस्कस किया था जब मैं जीडीपी आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था जीडीपी कैलकुलेशन के तीन तरीके हैं ठीक है जैसे अगर आपको दिल्ली जाना है अपने सिटी से या अपने गाँव से दिल्ली जाना है एक तो रास्ता है सीधा एक इधर से घूम के चले गए एक ऐसा घूम के जा रहा है लेकिन आपको ले कर यहीं जा रहा है आपको अपनी डेस्टिनेशन पर ही लेके जा रहा है लेकिन तीन तरीके से आपको लेके जा रहा है क्लियर तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक uh, ग्रोथ का एस्टिमेशन है या जीडीपी की जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं एक है डिमांड साइड कैलकुलेशन एक है सप्लाई साइड कैलकुलेशन ठीक है तो सप्लाई साइड वाला जो कैलकुलेशन है उसमें हम ग्रोथ वैल्यू एडिशन का यूज़ कर रहे हैं ग्रोस वैल्यू एडिशन मेथड इसका क्या मतलब है कि जो uh, uh, जितनी भी uh, अगर हम बात करें जितने भी सेक्टर्स हैं वो कितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विस ये जितने भी सेक्टर हैं इनका नेट कंट्रीब्यूशन क्या है उसके थ्रू हम जा रहे हैं तो ये सप्लाई साइड आपकी जानी जाती है इट कैप्चर्स द इनकम जनरेटेड बाय द इकोनॉमिक एक्टर्स अक्रॉस द कंट्री जो भी इनकम यहाँ पे uh, जितने भी सेक्टर जनरेट कर रहे हैं उस तरीके से जा रही है दूसरा है आपका uh, अगर डिमांड साइड पर आप देखोगे तो डिमांड साइड के अंदर क्या है कितना आप खर्चा कर रहे हो एक्सपेंडिचर मेथड कल याद होगा ना कल हमने डिस्कस किया था एक्सपेंडिचर मेथड तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा आपका खुद का कंजन के लिए एक्सपेंडिचर फाइन इन्वेस्टमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार का जो खर्चा हो रहा है ये चार मेजर एक्सपेंडिचर है प्राइवेट कंजम्पशन के लिए जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम अपनी जो जरूरतों के लिए पूरा कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट परपज से जो खर्चा हो रहा है वो यहां पे आ जाएगा सेकेंड नंबर पर बिजनेस एंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फिर गवर्नमेंट यहां पे खर्चा कर रही है फिर नेट ये जो आ रहा है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तो ये जो सारे जो खर्चे किए जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो ये डिमांड साइड के थ्रू हमारा कैलकुलेशन बैठ रहा है सो द जीडीपी इज इक्वल टू द ग्रोथ वैल्यू एडिशन एडेड विद द नेट टैक्सेस तो अभी तक जो भी हमने uh, जितना भी पढ़ा है उसका रिलेशनशिप अगर हम जी और ग्रोथ वैल्यू एडिशन का रिलेशनशिप देखें तो क्या है ग्रोथ वैल्यू एडिशन को जब हम टैक्सेज और सब्सिडी के लिए यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं तो हमें जीडीपी मिल जाती है जीडीपी यहां पर मिल जाती है वाइल जीडीपी इज ए गुड मेजर इन कंपेरेटिव स्टडीज जीडीपी एक अच्छा मेजर है जहां पर हम इकोनॉमी को कंपेरिजन uh, करते हैं इंडिया की इकोनॉमी को कंपेरिजन करेंगे इंडिया की जीडीपी जो है चाइना से कितनी कम है हम देखेंगे कि हाँ चाइना की जो जीडीपी इंडिया से 6 गुना है पांच गुना छह गुना ज्यादा है यूएसए की इकोनॉमी जो है इंडिया से आठ uh, गुना ज्यादा है फाइन इस तरीके से ये कंपैरिजन के लिए होता है जीडीपी ग्रोथ वैल्यू एडिशन हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं आप कहोगे सर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया ग्रोथ वैल्यू एडिशन को क्यों ऐड किया ग्रोथ वैल्यू एडिशन हमें जो सेक्टर्स है इकोनॉमी के उसके अंदर हेल्प कर रहा है है ना सेक्टर्स को कंपेरिजन में हेल्प कर रहा है जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कंपेरिजन कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से तो उस कंपेरिजन के अंदर हमें ये ग्रोथ वैल्यू एडिशन मेथड ज्यादा प्रीफर करता है कुछ क्वेश्चन हम लेंगे फाइन ये रिवाइज्ड मेथड आपके हो चुके हैं कुछ क्वेश्चन यहां पे लीजिए जो यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चन ले रहे हैं अभी ये आई ए प्रॉब्लम्स में आपके पूछे हुए क्वेश्चन हैं ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन जो आई एस प्रॉब्लम्स में आपके पूछे गए हैं यूपीएससी ने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स तीन सेक्टर हमने पढ़े थे है ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विसेज कह लीजिए तो ये कह रहा है जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा फर्स्ट नंबर पे फिर सेकंड नंबर पे किसका होगा और फिर थर्ड नंबर पे किसका होगा ये इतना बच्चों वाला क्वेश्चन है जो आपको बताना है फटाफट से इसको बता दीजिए वट शुड बी द आंसर कम ऑन ये तो लड्डू क्वेश्चन है ठीक है ये जो आपके बॉल होती है ना जो बिल्कुल हिट करने वाली होती है सिक्स जाएगा इस पर वैसा क्वेश्चन ये है तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट है जो प्रीवियस क्लास थी आई थिंक सेकंड क्लास थी फर्स्ट या सेकंड क्लास थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो सर्विस सेक्टर है इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन 50 प्रतिशत से भी ज़्यादा है इट शुड बी अराउंड 54 परसेंट समथिंग देन वी हैव दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक है इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन लगभग पच्चीस के आसपास है फिर हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर है जिसका थर्ड नंबर पर आएगा सबसे कम है अराउंड ट्वेंटी समथिंग तो ए इसमें आंसर चला जाएगा मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को भी दिक्कत आएगी ठीक है और हम क्वेश्चन करें क्वेश्चन भी यूपीएससी ने प्रॉब्लम्स में पूछा है इसका आंसर कीजिए इसका आंसर कीजिए क्या पूछ रहा है नेशनल इनकम किसी भी देश की जो नेशनल इनकम है एक पर्टिकुलर पीरियड में वो क्या कहलाएगी तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो नेशनल इनकम को सही तरीके से यहां पे बैठ रहा है मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको यहां पे रेस्पॉन्स चूज करना है वट शुड बी द आंसर वट शुड बी द आंसर नेशनल इनकम हमने पढ़ा है कल जो चैप्टर था कल कल की जो क्लास थी ये जो क्लास है हमारी डेली बेसिस पे हो रही है ना डेली बेसिस पे दस से साढ़े दस के आसपास हम इसको स्टार्ट करते हैं है ना तो यहाँ पे ये फोर्थ लेक्चर हम कर रहे हैं और कल वाले लेक्चर में हमने जीडीपी डी नेशनल इनकम एन, एन ठीक है पर्सनल इनकम पर्सनल डिस्पोजल ये सारे कॉन्सेप्ट हमने किए रियल जी नॉमिनल जी नेशनल इनकम का क्या मतलब हो गया नेशनल इनकम मतलब कौन इंपॉर्टेंट हो जाएगा एनएनपी ही तो था नेट नेशनल प्रोडक्ट ही तो था उसको चाहे आप फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं सो यू हैव दिस नेशनल इनकम इन अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू तो इसमें चार ऑप्शन है अगर हम इसको देखें पहले नीचे से चलते हैं मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड क्या लिखा हुआ है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड तो जो मॉनेटरी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है हो गया, तो अलग है ना ठीक है तो ये तो जीडीपी की डेफिनेशन लिख दिया गलत हो गया इसमें किसी को कोई डाउट ठीक है इसको हटा दीजिए फिर पूछ रहा है सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स पर्सनल इनकम मैंने आपको कल बताया था ठीक है ना पर्सनल इनकम पर्सनल इनकम का मतलब क्या है नेशनल जो इनकम है उसमें से कुछ माइनस होगा जैसे कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ठीक है या फिर अगर हम बात करें कॉर्पोरेट जो टैक्स है कंपनियां जो टैक्स पे कर रही है तो कुछ ना कुछ माइनस होगा फिर पर्सनल इनकम मिलेगी तो पर्सनल इनकम तो नेशनल इनकम के बराबर तो नहीं होगा कुछ माइनस हो गया सो अगेन दिस इज नॉट अ राइट आंसर समझ रहे हैं तो क्वेश्चन से रिवीजन भी हो रहा है आपका सम ऑफ देन वी हैव दिस टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सम ऑफ टोटल कंजम्प्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर तो टोटल कंजम्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ये तो जीडीपी का आधा ही हुआ ना अगर आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर फिर जो आपका नेट आ रहा है है ना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाला आ रहा है वो चारों जोड़ोगे तब आपको जाके जीडीपी मिलेगा तो भी जीडीपी ही मिल रहा है हम तो नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स नाउ दिस बिकम इंपॉर्टेंट व्हाई बिकॉज इन नेशनल इनकम दिस थिंक हु इज इंपॉर्टेंट हु इज प्रोड्यूसिंग दिस हु वाज इंपॉर्टेंट और यही फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है तो आपका ए आंसर हो जाएगा जिन बच्चों का ए आंसर है वो सही है तो इस तरीके से बहुत ही बेसिक वे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम्स में पूछा है इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और यहाँ पे मैं बता दूँ जो जिन बच्चों को नहीं पता है अभी आपका कॉम्बैट स्टार्ट हुआ है आई थिंक ग्यारह बजे ही हुआ है तो ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जो आपका स्टार्ट हो चुका है जो नए बच्चे हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ पर आपको कॉम्बैट का लिंक मिलेगा जो कि फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहते हैं प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन है जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे फाइंड दिस लिंक कॉम्बैट के नाम से लिंक है नीचे आइए uh, नहीं शो कर रहा है चैट बॉक्स में पिन होगा ठीक uh, uh, है आई विल भी शेयरिंग आई विल भी शेयरिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो ठीक है तो वहाँ पे कर देते हैं try to answer this question again this was asked in the uh, problems examination i have shared the link ये टेस्ट का लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप देख सकते हैं चलिए हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देन रेपअप we'll क्योंकि अभी टेस्ट है आपका फिर हम कल क्लास वापस कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री विल कंट्री एक्स विल नेसेसरी टू अकर मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर उस देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी ही है है ना उस देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही तो अगर आप यहाँ पे देखते हो पॉपुलेशन ग्रोथ है पॉपुलेशन ग्रोथ का इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या मैटर है अगर पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है हो सकता है कि वहाँ पे जो रिक्वायर्ड कैपिटल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं है लोगों के पास स्किल नहीं है एजुकेशन का अभाव है कई सारी चीज़ें हो सकती है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे भी आ सकती है तो ये ऑप्शन तो आप बिल्कुल हटा दीजिए ठीक है फर्स्ट ऑप्शन है देर इज अ टेक्निकल प्रोसेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड की इकनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है लेकिन उस देश के अंदर क्या उसको टेक्नोलॉजी का फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो अगेन यहाँ पे भी नहीं होगा वर्ल्ड की इकनॉमी में हो रही है जरूरी थोड़ा ना इस कंट्री एक्स को फायदा मिले नहीं मिले मिल भी सकता है नहीं भी मिलेगा फिर है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोमॉमी वर्ल्ड इकॉनॉमी के अंदर ट्रेड इंक्रीज हो रहा है व्यापार बढ़ रहा है विश्व में व्यापार बढ़ रहा है विश्व में व्यापार बढ़ रहा है लेकिन हो सकता है इस इकोनॉमी के अंदर इसका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा हो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होगा ये जो है कंट्री यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है आयात ज्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है तो इसको तो नुकसान हो गया ना ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है मतलब पैसा जा रहा है फिर क्या ऑप्शन बच रहा है कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है ना कैपिटल फॉर्मेशन है मतलब मनी क्रिएशन हो रहा है वेल्थ क्रिएशन हो रहा है इट मीनस देर इज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर श्योर ठीक है ये जो ऑप्शन है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे बैठता है तो इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगा के आप अपने जो आंसर्स तक पहुँच सकते हैं सी आपका आंसर हो जाएगा है ना सी आपका राइट right आंसर हो जाएगा तो ये यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछता है अब कल हम आपका स्टार्ट करेंगे ये जो चैप्टर है ग्रोथ डेवलपमेंट और हैप्पीनेस ठीक है इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे कल क्लियर चैप्टर फर्स्ट आपका पूरा हो चुका है और चार इसके लेक्चर रहे हैं ऑलरेडी तीन लेक्चर भी अवेलेबल हैं ये टेलीग्राम पे देख लेना आप टेलीग्राम के ऊपर यहाँ पे जाके इसको मिल जाएंगे आपको लेक्चर और जो ये लेक्चर है इसके नोट्स या जो ये पी डी एफ हैं ये भी आपको यहीं मिलेगा पी डी एफ आपको यहीं मिलेगा टेलीग्राम पर जाके इसको सर्च कर लेना और इसको ज्वाइन कर लेना और अभी जो आपका टेस्ट है ठीक है ना जो टेस्ट है अभी उसका लिंक भी मैंने यहीं पे शेयर किया हुआ है यू हैव दिस टेस्ट हियर ये गेमिफाइड लाइव टेस्ट आपका है स्कॉलरशिप टेस्ट है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो काफ़ी सारे स्कॉलरशिप आपको जीतने का मौका यहाँ पे मिल जाता है ठीक है यूज द अनलॉक कोड आरबी लाइव जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कोड यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपका ये टेस्ट फ्री में अनलॉक हो जाएगा इसके अलावा अन अकेडमी से आप जुड़ सकते हो और अन अकेडमी आपको देता है एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी टू क्रैक दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन जहाँ पे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस ले सकते हो और वो सारे रिसोर्सेज जो क्रैक करने के लिए जरूरी है ना कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है वो आपको मिल रहा है आपको आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज जैसे रिसोर्सेज यहाँ पे मिल रहे हैं फाइन डाउट सॉल्विंग सेशंस यहाँ पे हैं और ये सब चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन में जितने भी एजुकेटर्स हैं उन सब के कोर्सेज उन सबको आप एक बार फीस पे करके एक्सेस कर सकते हैं तो सब्सक्रिप्शन लिंक आपके सब्सक्रिप्शन लिंक यहाँ पे भी अवेलेबल है टेलीग्राम पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाता है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए कॉम्बो के अंदर जी और ऑप्शनल दोनों इंक्लूड है अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज करके पुट द कोड आर बी लाइव टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट सिमिलरली यू कैन गो विथ आइकॉनिक आइकॉनिक में आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिल जाते हैं केवल जी एस की ये फीस है केवल जी एस के लिए अगर आप जा रहे हो सो दिस इज द फीस ईयर इट शुड बी अराउंड फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री कितना ये दिखा रहा है अराउंड फिफ्टी थाउजेंड शुड बी देयर और अभी नए बैचेज आपके बाईस तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनमें आप एनरोल कर सकते हैं केवल ऑप्शनल की ये फीस है और आई वुड रादर रिकमेंड ये काफ़ी सारे ऑप्शनल भी स्टार्ट हो रहे हैं मैं यहां पे कहूंगा कि आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लें जिसमें जीएस और ऑप्शनल सी सेट सब इंक्लूड हो गया है मतलब उसके अंदर आपकी पूरी प्रिपरेशन की समस्या हट गई है और उसमें यह भी रहता है कि अगर आपने ऑप्शनल मान लो एक लिया फिर चेंज करना है दूसरा लिया या कुछ बच्चे दो ऑप्शनल तैयार करते हैं ठीक है तो उसके अंदर अलग अलग ऑप्शनल के लिए पेमेंट नहीं करना है वो सारा आपका इंक्लूड हो जाता है डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए अलग आपकी टीम है जीरो परसेंट ई भी मिल जाता है तो आर्टिकुलेट मैगजीन आपकी आ चुकी है फ्लिपकार्ट ऑफलाइन स्टोर अमेजॉन इन सब पे अवेलेबल है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है करंट अफेयर्स का सो दिस इज ऑल फॉर टूडे ऑल द वेरी बेस्ट गाइस ओके हैव ए ग्रेट डे डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी टू गेट एग्जाम रिलेटेड यू पी एस सी रिलेटेड अपडेट्स ऑल द बेस्ट